वेलकम बैक टू माई चैनल देसी फैशन वर्ल्ड। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ अमेजोन से बहुत सारा कलेक्शन कि आप लोगों के सामने इसका रिव्यू भी करना था। मुझे रिव्यू करने वाली हूँ, ट्राई ऑन करने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल बटन को हिट कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आपको फैशन वीडियोज एंड रिव्यू वीडियोज मिल जाते हैं। सो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आने वाले वीडियोज और भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कॉर्सेट से, जो कि कॉटन का है एंड कॉर्सेट की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो मैंने खरीदा है स्टाइलम स्टोर से ये कॉर्सेट। एंड आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही प्यारा है, ऑलिव कलर में है ये, जैसा आपको दिख रहा है ना सेम ऐसा ही प्रिंट है और सेम ऐसा ही मॉडल पिक्चर था। इसका फैब्रिक जो है प्योर कॉटन है, तो गर्मी के इस वाले सीजन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो इस तरीके का ये कॉर्सेट है, जहां पे आपको मिल जाता है इस तरीके से वी नेक, एंड ये प्रिंटेड है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन है। इस तरीके से इसकी स्लीव्स मिल जाती हैं, स्लीव्स पे आगे यहाँ पे इलास्टिक दे रखी है और ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखी है एक स्टिचिंग और नीचे पैम्पलम काइंड ऑफ डिजाइन दे रखा है। सो काफी ज्यादा स्मूथ है, इसमें इनर नहीं लगा हुआ, अगर आप चाहते हो तो इनर पहन सकते हो, अदरवाइज इनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड ये इसके साथ बॉटम मिलता है इलास्टिकेटेड, जिसमें आपको एक तरफ मिल जाती है पॉकेट और ये इस तरीके से पैंट है। सो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसका प्राइस आई थिंक 782 रुपीज है और ये एक्सल साइज में मैंने ऑर्डर किया था। ऑलमोस्ट आज के जितने भी स्टफ यहाँ पर आपको दिखाऊंगी मैं, सभी मैंने एक्सल साइज में ही ऑर्डर किए हैं, क्योंकि राखी आ रही है और अभी आने वाले टाइम में काफी सारे फेस्टिवल और भी आने वाले हैं, तो काफी सारे लोग हैं जो साड़ीज प्रेफर करते हैं, साड़ीज पहनते हैं, एंड मेरी मम्मा को भी साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने खरीदी एक साड़ी। एंड बिलीव मी, ब्रांडेड साड़ी 299 रुपीज में मिल जाए, ये सिर्फ अमेजोन पे ही सकता है, जहां पर आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाए। सो मैंने खरीदे है गो श्री की ब्रांड से ये साड़ी, एंड इसको मैं वियर करने वाली हूं अभी आने वाले किसी फेस्टिवल में। मैं सोच रही हूं कि इसको राखी पे पहनूं, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सॉफ्ट सी साड़ी है, एंड इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल सोबर सी साड़ी है, इसको आप ऑफिस में भी वेयर कर सकते हो। देख सकते हो कलरफुल है, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, ये ना शिफॉन में है, इसका शिफॉन बहुत प्यारा है। अगर आप डेली वेयर में ऑफिस जाते हो या घर में भी साड़ी वेयर करते हो ना, तो आई मस्ट से कि भाई ये वाली साड़ी आप जरूर परचेज कर लेना, 299 में दिस इज मोर देन वर्थ इट। तो साड़ी जो है गो श्रिकी ब्रांड से है, तो नीचे यहां पर आपको ना सभी के मैं प्राइजेस जो है ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्योंकि यार प्राइजेस का थोड़ा सा अप डाउन रहता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो यहां पर मैं प्राइजेस ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके साथ पहनने के लिए मैंने एक ब्लाउज भी खरीदा है, एंड मैंने यहां पर स्टिचिंग कराने के झंझट से बचने के लिए बना बनाया ब्लाउज ले लिया। एंड ये देख सकते हो ये सिल्क में है और इसके ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा फॉइल मिरर का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है और बहुत बहुत सुंदर सा ये पैडेड ब्लाउज है। काफी सारे लोग पैडेड ब्लाउज मांगते हैं, बट मैंने जो साइज ऑर्डर किया था एक्चुअली मुझे वो डिलीवर नहीं हुआ, गलती से मुझे इससे छोटा साइज मिल गया है, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आएगा। ये आप देख सकते हो बहुत छोटी सी लग रही है इसकी कमर, एंड ये 34 साइज भी नहीं लग रहा है, सो आई थिंक कि मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। मैंने इस साड़ी के साथ वेयर करने के लिए इसको परचेज किया था, क्योंकि काफी अच्छा इसके साथ ना इसका पेयर हो जाता ऐसे इस तरीके से। सो अभी मैं इसको एक्सचेंज में डालूंगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप परचेज करना चाहते हो, आपके पास कोई प्लेन साड़ी है जिसके साथ कि आप ब्लाउज वेयर करना चाहते हो, तो इस तरीके के पैडेड ब्लाउज आप वेयर कर सकते हो। अफोर्डेबल लगा मुझे, क्योंकि पैडेड ब्लाउज है एंड साथ में इतना सुंदर वर्क हो रहा है, तो 799 रुपीज में मैंने इसे परचेज किया है। आप जाके चेक कर सकते हो, काफी सारे कलर अवेलेबल हैं, काफी सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं। सो जो नेक्स्ट आइटम है ना, वो पिस्ता कलर का एक प्यारा सा कॉटन का सूट है, ये देख सकते हो आप, ये बहुत सुंदर सा है, ये पाकिस्तानी सूट भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये जो है ना सूट बहुत सुंदर है, एंड इसकी क्वालिटी आई मस्ट से बहुत प्यारी आई है। ये देखो कलर इसका है पिस्ता, एंड इस तरीके से आपको राउंड नेक मिल जाएगा। कॉटन इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा सा मसलिन कॉटन है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सारा का सारा सीक्वन एंड थ्रेड के साथ दे रखा है। इस तरीके से क्वार्टर स्लीव्स है, एंड साथ में यहाँ पर आपको ऑर्गेन्जा का एक छोटा सा यहाँ पर एडअप दे रखा है और उसके ऊपर की गई है एक स्टिचिंग जो कि काफी प्यारी लग रही है। इस तरीके से पूरा आपको कुर्ता मिल जाएगा, नीचे घेरे पे बहुत सुंदर सा ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी एंड कटवर्क दे रखा है जो कि काफी प्यारा है। एंड बैक से आप देख सकते हो इस तरीके से मिल जाएगा आपको, फ्रंट पे यहाँ पर पूरे कुर्ते के ऊपर यहाँ साइड्स में ना आपको एक स्टिचिंग दे रखी है, काफी ज्यादा रॉयल लग रहा है। ये कलर तो है ही प्यारा, बट इसकी स्टिचिंग एंड क्वालिटी फैब्रिक वाइज ऑल ओवर ये बहुत प्यारा है। इसके साथ बॉटम और भी ज्यादा प्यारा दे रखा है, ये देखो
यहाँ पर फ्रंट पे आपको बेल्ट दे रखी है, पीछे इलास्टिक दे रखी है एंड गाइज ये काफी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपको पैंट मिल जाती है। नीचे यहाँ पर ऐड किया हुआ है ये डिजाइन, जिससे कि इसकी पैंट और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आई मस्ट से कि ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप राखी पे कुछ पहनने के लिए सोच रहे हो और अगर आपको लगता है कुछ डिसेंट सा पहनना है तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। सब ना दुपट्टा दे रखा है ऑर्गेंजा का, दुपट्टा बहुत ही बड़ा वाला टाइप का दुपट्टा नहीं है, एक स्टोल काइंड ऑफ दुपट्टा है। इस तरीके से आपको इसकी विड्थ मिल रही है, टैसल मिल रहा है नीचे इस तरीके से, और ये दे रखा है इसका लेंथ जो कि 2.25 मीटर का ही है। एंड इसका जो प्राइस है 1649 अराउंड है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हो। बट इसकी क्वालिटी, इसकी जो पूरी पूरी स्टिचिंग है, इसका फैब्रिक है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दैट एंड बहुत प्यारा पीस है। एंड गाइज कुछ लोगों को ना व्हाइट से बहुत प्यार होता है, कभी कभी मुझे भी व्हाइट पहनने की बहुत इच्छा होती है एंड मेरा दिल करता है कि किसी ओकेजन पे मैं व्हाइट कलर का कुर्ता पहनूं, साथ में नीचे कोई ट्राउजर पहन लूं, जीन्स पहन लूं और ऊपर से पहनूं एक बहुत प्यारा सा कलरफुल दुपट्टा। सो मैंने ना एक कुर्ती ये देखी थी अमेजोन पर, ये नेट की कुर्ती है, इस तरीके से आपको राउंड नेक में मिलती है, प्योर व्हाइट है, प्योर व्हाइट इस तरीके से। एंड अंदर जो है, इसके अंदर जो है इनर लगा हुआ है क्रेम मटेरियल का। सो ये मैंने ऑर्डर करी है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी एंड मेरा दिल किया कि मैं इसको वियर करूं कुछ अलग स्टाइल से। यहाँ पर आपको फुल स्लीव मिल जाती है और ये प्योर व्हाइट कलर का पूरा ये नेट का कुर्ता है, जिसे आप अपने जीन्स के साथ वियर कर सकते हो, कॉलेज में वियर कर सकते हो, अपने ऑफिस में वियर कर सकते हो, या जैसे कभी कभी 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरीके के ओकेजन होते हैं ना, जब आप व्हाइट पहनते हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या इनफैक्ट कभी कभी आप व्हाइट कलर के किसी भी कुर्ते को किसी दूसरे डिफरेंट कलरफुल बॉटम्स के साथ और डिफरेंट कलरफुल दुपट्टे के साथ वियर करोगे तो भी बहुत प्यारा सा लगता है इस तरीके का कॉम्बिनेशन। तो ये 400 रुपए की कुर्ती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज भी मुझे काफी अच्छी लगी एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। इसमें दो कलर हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, दोनों में से कोई भी कलर आपको जो भी पसंद हो वो आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़े डिफरेंट पार्टी वियर कलेक्शन के बारे में। अब मैंने एक अनारकली कुर्ता सेट आपको दिखाने वाली हूं, तो जो लोग थोड़ा हैवी पहनना चाहते हैं, थोड़ा सा अनारकली वाला उनको स्टाइल अच्छा लगता है, तो ये कुर्ता सेट काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। ये डार्क ब्लू कलर का एक कुर्ता है जिसमें कि आपको कुर्ता मिलता है जो कि लॉन्ग गाउन स्टाइल में है और उसके साथ मिलता है दुपट्टा, बॉटम आई थिंक नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूं इसका, ये देखो वी नेक में आपको मिलता है बहुत प्यारा सा फॉइल मिरर के साथ और एम्ब्रॉयडरी के साथ, यहाँ पे घेर मिल जाएगा, काफी सारी गैदरिंग्स दे रखी हैं और नीचे देखो ओ माय गॉड बहुत अच्छा सा वर्क दे रखा है एम्ब्रॉयडरी के साथ, ये आपको फॉइल मिरर का और एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी हो रखी है। ये कुर्ता यानी कि ये गाउन या कुर्ता जो भी आप कह सकते हो उसे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। बैक से भी कुछ इस तरीके से मिलेगा एंड काफी सुंदर सा है ये, पीछे से इस तरीके की डोरी दे रखी है, बहुत ही प्यारा सा जॉर्जेट का ये गाउन कुर्ता सेट है। एंड गाइज इसका जो प्राइस है ना वो 1599 रुपीज है। इसके साथ दुपट्टा मिलता है जो कि इस तरीके से आपको गोटे के किनारे के साथ मिलता है और ये जो दुपट्टा है ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है जिसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही बहुत अच्छी है। सो आई मस्ट से कि इस तरीके के ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो, बड़ी प्यारी सी लग रही है ये ऑप्शन भी, तो नीचे इसका लिंक दे दूंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना कुर्ता सेट नहीं चाहिए होता और ना ही बहुत ही गॉडी चाहिए होता है, तो उनके लिए एक ऑप्शन लेकर आई हूँ यश गैलरी ब्रांड से। यश गैलरी ब्रांड से मैंने एक कुर्ती देखी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। इस कुर्ती को ना आप अपनी जीन्स के साथ वियर कर सकते हो, किसी पैंट के साथ वियर कर सकते हो, किसी अपनी लेगिंग के साथ वियर कर सकते हो या ट्राउजर के साथ भी वियर कर सकते हो। कलर तो है ही बहुत प्यारा, ब्राउन कलर की ये कुर्ती है जिसमें ना साइड्स में यहाँ पर आपको पूरे बटन्स दे रखे हैं और इसकी स्लीव्स देखो इस तरीके की प्यारी सी बेल स्लीव दे रखी है, यहाँ पर ना थ्रेड का बहुत अच्छा सा काम दे रखा है नेट का। तो ये कुर्ती है जो कि लॉन्ग में है एंड प्योर कॉटन में आपको मिल जाती है, इस तरीके से पैटर्न दे रखा है जहां पे फ्रंट में आपको स्लिट दे रखा है, तो कुर्ती का फैब्रिक बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखो बैक से आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, ये देखो प्राइस है ना 629 रुपीज है एंड ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर व्हाइट के ऊपर छोटे छोटे डॉट ब्लू कलर की प्रिंट हो रखी है जो कि काफी प्यारी लग रही है। सो अगर आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, बाकी बाद में भी काम आ जाएगी, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये किसी ओकेजन पे ही पहनो, आप इसको डेली वेयर में भी पहन सकते हो, फैब्रिक इसका मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा जो लोग ना कुर्ता सेट देख रहे हैं एंड बहुत सिंपल सोबर सा कुर्ता सेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन लेकर आई हूं मैं, ये देखो मीरा फैब से है ये और यहाँ पर आपको बहुत प्यारा सा ये कुर्ता सेट मिलता है
जिसमें ना आप इसको घर पे पहन लो, ऑफिस पहन लो, ओकेजन पे पहन लो या फिर कॉलेज भी जाके पहन सकते हो। ये देखो इसमें ना आपको स्लीवलेस मिलता है ये कुर्ता, एंड इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। डॉट डॉट दे रखे हैं प्रिंट वाले डिजाइन, आगे फ्रंट पर से पूरा यहाँ पर बटन वाला डिजाइन दे रखा है, एंड सारे के सारे बटन जो है वो ओपनेबल है। फ्रंट से स्लिट दे रखा है। इस यहाँ पर आपको ये पैंट मिल जाती है, फ्रंट से बेल्ट है, पीछे से इलास्टिकेटेड है, यहाँ पर पॉकेट दे रखी है दोनों ही साइड में, ये प्लाजो टाइप में दे रखा है इस तरीके से। एंड फैब्रिक की तो क्या ही बात करूं भाई, कॉटन इतना मस्त है ना इसका, खूब धोकर पहनोगे आप तो भी मुझे नहीं लगता कि इसका कलर उतरने वाला है। 1195 रुपीज इसका प्राइस है, एंड मुझे लगता है मस्त वाला आइटम है ये, इसको तो आप ले डालो, बिकॉज ये इस तरीके का आइटम जो है ना एक बार इन्वेस्ट करके आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, काफी लॉन्ग रन तक अच्छे चलते हैं। 100% रिकमेंड करूंगी अगर आप इस तरीके का कोई आइटम परचेज करना चाहते हो तो ऐसा आइटम जरूर परचेज कर ले। चलो ये तो हुई फंक्शन फेस्टिवल की बात, अब बात कर लेते हैं डेली वेयर में। अगर आप कुछ वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको शॉर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी कभी ना मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है, दी आपको शॉर्ट बता दो जिसमें आप एक्सरसाइज करते हो। तो मैंने हाल फिलहाल में जॉकी ब्रांड से अमेजोन से ये परचेज की थी एक शॉर्ट, ये देख सकते हो, एंड ये शॉर्ट ना मुझे बहुत बढ़िया लगी। इनफैक्ट ये बढ़िया मुझे पता है क्यों लगी, क्योंकि ना इसमें अंदर आपको दे रखा है इस तरीके से एक और शॉर्ट, स्लैक साइकिलिंग शॉर्ट टाइप, जो कि स्ट्रेचेबल है और ये ना स्वेट प्रूफ भी है। ये देख सकते हो इस तरीके से है, काफी ज्यादा स्मूथ है, आपकी स्किन को हग कर लेता है और स्वेट फ्री है तो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होने देता। और बाहर से आपको इस तरीके का मिलता है फैब्रिक जो कि ये वाला है, एंड इलास्टिकेटेड है ये, आप अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अंदर यहाँ पे आपको ना एडजस्ट करने के लिए एक दे रखा है ये नाड़ा, ये देखो। सो इलास्टिक के साथ नाड़ा भी दे रखा है और यहाँ पर पॉकेट्स भी दे रखी हैं आपको, ये देखो ये पॉकेट है और एक ये पॉकेट है, दोनों साइड में एक पॉकेट है और पॉकेट के साथ उसके ऊपर जिप भी दे रखी है। तो इस तरीके का शॉर्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये शॉर्ट जो है ना बहुत ही मस्त वाला है, आप इसको परचेज कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो गाइस अगर वर्कआउट की बात चल रही है तो क्यों ना वर्कआउट ब्रा की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यार वर्कआउट करते टाइम कौन सी ब्रा पहनी जाए, तो मैंने यहाँ परचेज किया एक वर्कआउट के लिए ब्रा जो कि इस तरीके से पिंक कलर में है और बहुत प्यारी कंफर्टेबल सी ब्रा है। पीछे से देखो इस तरीके से है, इसमें कोई हुक वुक नहीं दे रखा, सीधा ही आपको पहननी है। ये जो ये पैडेड है तो आपको पैड दे रखे हैं, और ऑप्शन क्या है आपके पास कि साइड में ना यहां से खुला हुआ है तो आप इस वाले पैड को यहां से रिमूव भी कर सकते हो। जो पैड्स हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं, आपको वर्कआउट के टाइम पे काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे और ये टाइट भी नहीं होगी क्योंकि ये फ्री साइज है, तो आप इसे आराम से पहन सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, परचेज कर लेना, क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूं। तो अब एक और मैं आपको इनर दिखा रही हूं, क्लोविया से मैंने एक ब्रा और खरीदी है, ये देखो ब्लैक कलर में, पिंक कलर में, नेट में मिल जाएगी आपको। इसमें मैंने 34C साइज खरीदा है, इसके जो कप्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही सॉफ्ट वाले कप्स हैं, साइड में यहाँ पे मैश वाला नेट लगा हुआ है और इसकी जो ये इलास्टिक दे रखी है ये भी बहुत कंफर्टेबल है, आपको पूरा दिन पहनने पर भी ये चुभने वाली नहीं है। एंड मैंने एनामोर ब्रांड से भी एक ब्रा परचेज की है, जिन लोगों को समझ नहीं आता कि यार हमें फुल कवरेज ब्रा चाहिए, हमें पैडेड पहननी चाहिए या फिर विदाउट पैड ब्रा पहननी चाहिए, तो मुझे लगता है कि फुल कवरेज वाली एक सपोर्ट ब्रा चाहिए मुझे, तो मुझे एनामोर में ये ब्रांड जो है काफी अच्छा लगा, ये जो स्टाइल है ये काफी अच्छा लगा, बिकॉज इसमें हाफ आपको नेट मिलता है और हाफ आपको इस तरीके से सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ पर आपको साइड में भी फुल कवरेज मिल जाती है इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, एंड बहुत ही प्यारा कंफर्टेबल वाला ब्रा है जिसको नॉन वायर्ड है, नॉन पैडेड है, बट फुल सपोर्ट करती है आपको और फुल्ली कवरेज देती है, एंड काफी अच्छी फिटिंग आ जाती है इससे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, कैसा लगा आज का ये वीडियो? सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।